आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली तीन कहानी, साथ ही बिंदाइक जी और लपसी तपसी की कहानी, जिनके बिना हर कहानी अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की पहली कहानी। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हैं। तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब माता यशोदा ने गोचारण के लिए अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। गोपाष्टमी की दूसरी कहानी। गोपाष्टमी गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव भी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गांव वालों की रक्षा करके इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए थामा था गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा था उसी समय गोप गोपिकाओं ने अपनी अपनी लाठियों को भी टिका दिया था और जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोगों ने ही गोवर्धन को धारण किया है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा और तब सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। इसी तरह देवराज इंद्र को भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अड़िग रहे तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। अब हम सुनते हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली गाय के दान की एक बहुत ही सुंदर तीसरी कहानी। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था।
पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया और वह मंदिर जाती कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए, गाय दान करते हैं तो मरने के बाद गाय आगे मिलती है, तो गाय की पूँछ पकड़कर यमलोक जाते हैं, गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं, अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करे। पंडित जी ने कहा यदि असली गाय दान नहीं कर सके तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि ये सही है, मैं सोने चांदी की दो गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो और उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे और फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना, सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक के एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी दान गाय नहीं करी, यह गाय कैसे मिली। सेठानी ने कहा आपने बहुत धन जोड़ा और वही छोड़ाए, कभी दान नहीं किया, जो दान करते हैं वही मिलता है, हमने दो गाय दान करी थी कार्तिक की एकादशी को। सेठ जी बोले कि वो तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था इसीलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते, तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया, मनुष्य को दान देते रहना चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सदकर्म करना चाहिए, गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गौ दान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गौ माता, सेठ सेठानी को पार उतारा वैसे सबको उतारना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाइक जी की कहानी। महारा बिंदाइक जी स्याणा लावे धन का बाणा, महारा बिंदाइक जी सुधा और भरे धन का कुंडा, महारा बिंदाइक जी भोला और भरे धन का झोला, महारा बिंदाइक जी धाया और लावे धन का गाड़ा, बिंदाइक जी बाबा भरिया आयो रीता जाइयो, बिंदाइक बाबा रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो, राज ध्यावे राज ने मेहमा का सुहाग ने, पोता भो की राबड़ी दोयता भो की खीर, मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर, घर साकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो, सबका संकट हरजो सबका दुख मेटजो, सबका कारज सिद्ध करजो सब विपत्तिया से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो लक्ष्मी का वास दीजो, सबकी लाज राखजो सबका अंदन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करजो, सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठे हमारा बिंदायक जी महाराज, जय श्री राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा।
और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ, तो उसके नीचे 125,000 की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने हो ज्यो, तपसी को फल तपसी ने हो ज्यो, महा की कथा कहानी को फल महाने हो ज्यो।